आई मेट राज क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, दो तीन बार इवेंट के लिए मिली, और पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं हमारे, कॉमन फ्रेंड्स भी हैं हमारे. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कुछ इंडिकेशंस हैं उनके साइड से या ऐसा कुछ हो सकता है, बट जब से मुझे ये पता चला है आई एम रियली वेरी शॉक्ड. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को मैं कैसे लूँ. 2 दिन हो गए हैं. एट द सेम टाइम मुंबई पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रूफ है उनके पास, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स है और उनकी बैंक स्टेटमेंट्स है. मुंबई पुलिस हमारी बेस्ट पुलिस है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, तो उनकी बात भी झुठला नहीं सकते हैं. और ऑब्वियसली वो कुछ कर रहे होंगे तो प्रूफ के साथ ही कर रहे होंगे. देखिए क्या होता है. बट इन पूरे केस में मुझे लगता है कि शिल्पा जी का नाम ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, उनको ड्रैग किया जा रहा है इस टॉपिक में. उनकी फैमिली की थोड़ी सी फीलिंग हर्ट हो रही है. जो भी राज ने किया है तो उसको सज़ा देने देने के लिए है हमारी पुलिस और हमारा कानून है, बट वो हमको वो सच साबित होने तक वेट करना चाहिए. शिल्पा जी को ना ड्रैग करना चाहिए. अगर राज ने ये सब किया है और ऐसा है, तो चाहे वो राज हो या चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए. और आप देख रहे हो कि आजकल ना कि राज, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ही ओपनली सब कुछ चल रहा है. तो ना कि राज, मुझे लगता है कि सब लोगों पे एक्शन लिया जाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है. आज लड़कियों को इतना एक्सपोज किया जा रहा है, जो छोटे टाउन से लड़कियाँ आ रही हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो इसकी सज़ा तो सबको मिलनी ही चाहिए. राज हो या राज जैसे जितने हो जो ऐसे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, और भी छोटे छोटे बहुत हैं. अगर आप फ़ोन खोल के देखेंगे, ये सारे ऐप डाउनलोड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी फैली हुई है. तो इस गंदगी को मेरे हिसाब से साफ़ करना चाहिए. थैंक यू.